हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एनर्स क्लब। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इंडिकेशंस के बारे में जो ट्यूसडे के दिन में मार्केट में अपना इम्पैक्ट डाल सकती हैं। मैं बात कर रहा हूँ ट्यूसडे का, मतलब मंडे को जो एक घंटे की ट्रेडिंग होनी है शाम को दिवाली के शुभ अवसर पर, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ट्यूसडे के बारे में। सो मंडे के दिन में ट्रेडिंग करना है कि नहीं करना है शुभ मुहूर्त पे? डेफिनेटली ट्रेडिंग नहीं करनी है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसे आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए वो आप उस दिन खरीद सकते हो। लास्ट दिवाली पे हमने एक वीडियो अपलोड किया था संवत के लिए, जहाँ पे हमने देवयानी सैम सोना कैमस्टार और अंबुजा सीमेंट के बारे में बात किया था। लगभग 25% का एक्सपेक्टेशन था, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल थे, लेकिन इसके बावजूद ये तीनों स्टॉक्स ने अपने टारगेट अचीव किए। सो वेट करिए कल मॉर्निंग में 9 o'clock कल के दिन में यानी मंडे को शाम को शुभ मुहूर्त पे कौन सी ट्रेडिंग लेने, कौन से स्टॉक्स लेने हैं उसके बारे में हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। लेकिन फिलहाल ये वीडियो बात कर रहा है ट्यूसडे के बारे में। इंडिया विक्स के बारे में बात करें 17.28 के आसपास में है, लगातार दूसरे या तीसरे दिन की क्लोजिंग है जो 17.50 के नीचे की है। ये अपने आप में पॉजिटिव माना जाना चाहिए। अगर कल एक दिन और क्लोजिंग 17.50 के नीचे मिलती है तो आप 16 के आसपास जाते हुए नजर आएंगे, यानी निफ्टी के अंदर में 18,000 और बैंक निफ्टी के अंदर में लाइफ टाइम हाई एक बार फिर से अचीव करते हुए नजर आ सकते हैं। जो इंडिकेशंस आ रहे हैं FII की तरफ से पॉजिटिव है। 439 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर में 518 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स फ्यूचर में 494 करोड़ की खरीदारी, डेफिनेटली 1451 करोड़ की खरीदारी अपने आप में पॉजिटिव मानी जाएगी। इसी के साथ में उन्होंने एक बड़ा नंबर इंडेक्स ऑप्शन में भी खरीदा हुआ है 9893 करोड़ के आसपास का, लगभग 10,000 करोड़ हम बोल सकते हैं इसे। सो इतना बड़ा नंबर अगर इन्होंने यहाँ पे खरीदा हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडेक्स ऑप्शन में जब भी इतनी बड़ी खरीदारी होती है तो बड़े मूव्स आते हैं। और जिस तरह से SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 250 पॉइंट अप, देखते हैं कल शाम को क्या होता है। क्या हम 250 पॉइंट अप शुरुआत करते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, या वहां से शॉर्ट कवरिंग की रैली आएगी, ये बड़ा देखने लायक ये कल का एक घंटा होने वाला है। सो स्टॉक में इन्वेस्ट करिए कल के दिन में लॉन्ग टर्म के लिए। थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्यूजडे के लिए छोड़ देते हैं। DIA की तरफ से 119 करोड़ की मामूली खरीदारी नहीं बोलूंगा बिकवाली हुई है, प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आई है, तो ये भी अभी भी न्यूट्रल ही है। ये पॉजिटिव नेगेटिव 119 करोड़ में कुछ नहीं होना है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी में फॉल हुआ है, ऊपर की तरफ ओपनिंग होने के बाद में थोड़ा सा फॉल हुआ है। भले ही हम ये बोले कि निफ्टी के अंदर में जो पॉइंट्स हैं वो ऐड होके आए हुए हैं, कितना ऐड हुआ है बेसिकली अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर में 12.35 पॉइंट्स ऐड हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद 1.16 के आसपास में था, माफ करें 1.29 के आसपास में पुट कॉल रेशियो था, वहां से घट के 1.03 आ गया निफ्टी। बैंक निफ्टी में बढ़िया रैली हुई 684 पॉइंट्स की, इसके लिए 1.15 उसका पुट कॉल रेशियो दिख रहा है, बट अभी भी बहुत बड़ा नहीं है। बैंक निफ्टी में 1.39 तो हमने अभी पिछले वीक में ही देखा हुआ था। USD INR 82.54 के आसपास में जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, ऑयल प्राइसेस 93.50 के आसपास में, ये दोनों ही अपने पुराने लेवल से हल्के फुल्के कंफर्ट में काम कर रही हैं। सबसे बढ़िया डेटा जो है वो डॉलर इंडेक्स का है, 112 के आसपास में काम कर रहा था, 112.16 के आसपास में काम कर रहा था, फिलहाल के टाइम पे 111.82 के आसपास में काम करते हुए नजर आ रहा है। सो वहां से थोड़ी सी राहत के संकेत आ रहे हैं, पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रहे हैं, जिसके चलते हुए FII पॉजिटिव है, DII न्यूट्रल है। डेरिवेटिव डेटा सिंस 1.19 के आसपास में, 1.15 के आसपास में बैंक निफ्टी है, तो न्यूट्रल ही बोलेंगे, पॉजिटिव इसे फिलहाल नहीं बोल सकते। ऑयल प्राइसेस 90 के ऊपर तक न्यूट्रल है मेरे लिए, डॉलर इंडेक्स 110 के ऊपर न्यूट्रल है, और इंडिया विक्स पॉजिटिव है क्योंकि 17.50 के नीचे काम कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट अच्छा नजर आ रहा है शुरुआत करने के लिए। 21st अक्टूबर को जो ट्रेड हमने सजेस्ट किया था, जो हमने बात किया था, उसमें रेंज था 17,550 निफ्टी के ऊपर अगर देखने को मिलता तो बाय करना था। निफ्टी ने लो बनाया 17,520, डेफिनेटली आपने यहाँ पे बाय किया रहेगा। टारगेट अभी अचीव नहीं हुए हैं, लेकिन मंडे को वो अचीव कल के दिन में हो सकता है 7,750 के ऊपर हो, तो टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं तो पुट बाय करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब निफ्टी में हो क्या रहा है,
हमने हायर हाई पैटर्न कंटिन्यू किया हुआ है। एक दिन जो बीच में ब्रेक लगा तो वहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये भी एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। अब आज का कैंडल क्या इंडिकेट कर रहा है, ऊपर के लेवल्स पे जाके थोड़ी सी इनडिसिजिवनेस देखने को मिली हुई है, ऊपर के लेवल से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है जो DII में दिख रहा है 119 करोड़ का। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का SGX निफ्टी ब्रेकआउट दिखा रहा है, ऐसा लग रहा है कि 17,800 पॉसिबल बनता है। सो अब निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लाइन बनेगा नीचे की तरफ में, अगर 17,500 ये लेवल्स आपको सेम मिलेंगे जो हमने लास्ट एपिसोड में दिया था। रीजन, मूवमेंट सिर्फ 12 पॉइंट का हुआ है। सो अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो कैसे एडजस्ट करना उसके बारे में बात करेंगे हम अभी। सो ऊपर की तरफ में 17,630, 715, 17,800, 870 ये थोड़े से रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। अगर आप लेबल्स देखें तो हमने थोड़े से इसे रिफाइन किए हुए हैं, थोड़ा सा चार्ट हमने रिविजिट किया, फिर से रिफाइन किया हुआ है। क्यों, रीज़न क्या था, क्योंकि गैप अप होने की आशंका बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स से कल 17,715 के ऊपर की ओपनिंग होती है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 17,715, 17,630 हो जाएगा और रेजिस्टेंस 17,800 बनता हुआ नजर आएगा। क्या करना चाहिए 25 अक्टूबर के लिए, ये ट्रेड में बता रहा हूँ आपको, कल इनिशिएट करना है करिए कोई बात नहीं, पर 25 अक्टूबर को इस ट्रेड पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 17,710, 17,740 के बीच में अगर मिलता है तो एक बार 17,700 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, 17,630 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 17,800, 850 के लिए टारगेट एक बार नज़र में होना चाहिए। यहाँ तक निफ्टी पहुँचते हुए नज़र आ सकता है अगर SGX निफ्टी इसी तरीके से काम किया और कल ग्लोबल मार्केट ने सपोर्ट किया तो। ऊपर एक बार 18,000 के रेंज में जाके थोड़े से अटकते हुए नजर आ सकते हैं, तो 17,950 के आसपास में 17,900 का पुट ऑप्शन बाय किया जा सकता है, 18,020 के आसपास का स्टॉप लॉस लगेगा और नीचे की तरफ 17,750, 17,800 के टारगेट के लिए 25 अक्टूबर को काम किया जा सकता है निफ्टी के अंदर में। ये डेटा सजेस्ट करने के पीछे रीज़न या ट्रेड सजेस्ट करने के पीछे रीज़न क्लियर कट आपको बताता हूँ। आप रेंज देखिए 17,500 पे 121,894 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, इसी तरीके से 17,400 पे लगभग 79,000 और 17,600 पे भी 79,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, यानी नीचे की तरफ सपोर्ट है इसमें कोई शक नहीं है। हमने क्लोजिंग 17,562 पे दी थी लेकिन उसके बावजूद 17,600 पे अच्छी खासी राइटिंग हुई है, ओवर कॉन्फिडेंस में बोल सकता हूँ, लेकिन निफ्टी ने अच्छा मूव दिया तो डेफिनेटली इनका फायदा तो अच्छा होने वाला है। अब 17,500 कॉल ऑप्शन पे आप देखेंगे तो 104,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 17,600 पे 129,000 का ओपन इंटरेस्ट है और अगर ग्लोबल मार्केट इसी तरीके से काम करते हैं तो हम ओपनिंग 17,700 के ऊपर देंगे जहाँ पे 120,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, यानी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 17,800, 17,850 नज़र गड़ाइए, पहुंच सकते हैं, क्योंकि जो बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी पे ऊपर की तरफ वो सिर्फ 18,000 पे दिख रहा है, उसके पहले कहीं पे भी अब रेजिस्टेंस नहीं है। ये 87,000, 85,000 की हम बात कर सकते हैं लेकिन सोचिए अभी तो कॉन्फिडेंस राइटिंग हुई नहीं है यहाँ पे, तो जब ऊपर गैप अप ओपनिंग हो तो ये तो पहले भागेंगे राइटर यहाँ से। सो शॉर्ट जो अगर बोले छोटा रेंज जो नज़र आ रहा है वो 17,600 से 17,800 के बीच का आ रहा है मुझे नज़र, और अगर बड़ी रेंज की बात करो तो 17,500 से 18,000 के बीच की एक्सपायरी तक की नज़र आ रही है, क्योंकि वेडनेसडे भी आई थिंक छुट्टी है। सो उसके चलते हुए आपको एक बार बड़ा टंकेटेड वीक है तो ट्यूजडे के दिन में बड़ा आपको क्विकली यहाँ पे व्यू लेना पड़ेगा आपका। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, हमने ये ट्रेड के बारे में बात किया था, 40,200 से 40,300 के बीच में बाइंग थी, बैंक निफ्टी ने लो बनाया 40,355 का, तो 50 पॉइंट से ये रेंज छुट गया, नहीं तो टारगेट बढ़िया नगर मिल जाते हैं। अगर आपने लिया होगा तो बढ़िया है, नहीं लिया होगा तो कोई गल नहीं, 50 पॉइंट से छुटा। बट जो पुट ऑप्शन हमने बाय करने की बात की थी ये बराबर हिट होता हुआ नजर आया, 40,900 से 41,000 के बीच में रेंज में पहुंचा भी था और रिटर्न जब हुआ तो 40,600 के आसपास का लो भी बनाते हुए दिखा। सो इसके चलते हुए एक चीज क्लियर था कि हमने ये वाले टारगेट जो है अचीव किए हुए हैं। सो बैंक निफ्टी में 21 अक्टूबर का एक टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया हुआ है। अब क्या करें, जो चार्ट पे पैटर्न दिख रहा है और इसे अगर मैं SGX निफ्टी के साथ में ऐड करूं, ICICI बैंक के रिजल्ट के साथ में ऐड करूं, तो लाइफ टाइम हाई एक बार फिर से बनेगा। मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूं कि 41,800 का हाई बनाया था और मुझे लग रहा है कि 41,800 हम फिर से देखने को मिलेगा इसी
महीने की एक्सपायरी में हमें फिर से एक बार देखने को मिल सकता है 41,800। हाँ, उसके बाद में क्या होगा मालूम नहीं है, तो उसके चलते हुए सपोर्ट देख लीजिए क्या हो सकता है। 40,600, 40,300 आपका बढ़िया सपोर्ट है। अगर 39,900, 39,600 के रेंज में मिलता है, जबरदस्त खरीदारी करनी चाहिए। 39,200 आपका एक अच्छा सपोर्ट, इसे तोड़ा तो काफ़ी नीचे जा सकते हैं वहाँ से। रेजिस्टेंस फिलहाल जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग 40,800 के आसपास है, इसलिए रेजिस्टेंस 40,900 मैंने लिखा है। लेट्स से हम 41,350 के ऊपर ओपन कर जाते हैं अगर, सो डेफिनेटली ये सब आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ऊपर की तरफ जो दिख रहा है वो 41,600, 41,800। अब जब आज तक बैंक निफ्टी उसके ऊपर गया ही नहीं है तो हम रेजिस्टेंस नहीं बता सकते। उसके ऊपर बिल्कुल भी आपके लिए अनचार्टेड टेरिटरी है, वहाँ पे कहाँ जाएंगे, 42,000 से 45,000 तक जाएंगे या किस रेंज तक जाएंगे वहाँ पे बोलना भी मुश्किल है फिलहाल। लेकिन जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं बैंक के, बढ़िया है, और उसके चलते बैंक निफ्टी ऊपर के मूव्स दिखा रहा है। क्या करें, 25th अक्टूबर को अगर इस रेंज में ओपनिंग होती है 41,200 से 41,300, तो एज ए एग्रेसिव ट्रेडर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 41,200 का कॉल ऑप्शन। स्टॉप लॉस 44,900 का होगा और टारगेट 41,600, 800 और उसके ऊपर जाता है तो 42,000 तक का एक बार लक्ष्य रख सकते हैं आप। उसी के आसपास में, यानी 42,000 के आसपास में, क्योंकि फर्स्ट टाइम पहुंचेगा, एक बार थोड़ी सी बिकवाली यानी पुट बाय करने की कोशिश अगर आप एग्रेसिव है तो करिए, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो करिए, 41,900 से 42,000 के बीच में आपको एक बार बाइंग देखना, एक बार पुट बाई करके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 42,200 का, टारगेट 41,600, 41,400 का बनते हुए नजर आ सकता है बैंक निफ्टी में 25th अक्टूबर के दिन में। डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं, डेटा यहाँ पे बैंक निफ्टी में निफ्टी के इतने तो स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ठीक है, 40,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 90,000 के आसपास का, 40,500 पे 86,000 का, यानी राइटिंग हुई है 45,000 से 75,000 लॉट की राइटिंग करते हुए नजर आए हुए हैं। 41,000 पे कॉल ऑफ साइड में आपको 90,000 लॉट दिखेगा और 41,500 आपको नजर आएगा 59,000 और 42,000 पे 78, यानी कॉन्फिडेंस 41,500 पे नहीं है और ये राइटिंग नहीं हुई यहाँ पे लॉन्ग्स बने हुए हैं, तो जोरदार यहाँ पे आपको मूव देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मैंने क्या पोजीशन, अच्छा शॉर्ट सॉरी जो स्मॉल रेंज है वो 40,800 से 41,600, बड़ी रेंज मुझे समझ में आ रही है, स्मॉल रेंज में शायद काम नहीं होते हुए नजर आए, तो 40,500 से 42,000 40,900 स्टॉप लॉस, यानी 40,900 के नीचे का मूव नहीं देख रहा हूँ, अगर गया भी तो 40,500 के आसपास होगा, पर 42,000 तक की यात्रा बैंक निफ्टी कर सकती है। मैंने जो ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, 9,862 का प्रॉफिट दिखा रहा है, ये बैटमैन स्ट्रैटजी है और वो ये इंडिकेट करता है कि अगर 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो मैं थोड़ा सा लॉस करते हुए नजर आऊँगा। फिलहाल निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 17,800, तो मैं कल इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करूंगा, फिलहाल अभी इसके ऊपर में जो दिख रहा है ग्रीन ही दिख रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने वीडियो पूरा देखा रहेगा, वीडियो पूरा देखा तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, एट द सेम टाइम भूलिएगा मत कल मॉर्निंग में 9:00 को आपको इस संवत के लिए, यानी ये दिवाली से दिवाली तक के लिए 3 स्टॉक ऐसे मिलेंगे जिसके ऊपर में आप ट्रेड कर सकते हैं, आपके पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और शायद ये जल्दी ही आपको टारगेट देंगे, क्योंकि पिछला जो साल था वो खतरों भरा था, आने वाला साल थोड़ा अच्छा दिख रहा है। सो होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा, आपने वीडियो को ज़रूर लाइक किया रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, दोस्तों के साथ में वीडियो भी शेयर करेंगे। होप आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे जो फिलहाल के टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमने कर रखा है, बिकॉज हम लो ट्रेड उसमें बता रहे हैं फिलहाल। और आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उसमें लाइव मार्केट में जो भी ट्रेड इनिशिएट करते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली, हैव सेफ एंड एंजॉयफुल दिवाली, गुड नाइट।